उनके संस्थापक हमारे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तंत्रों जी को नमस्कार। आप सबके हृदय में विराजमान राजपूती को नमस्कार। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना कब हुई? क्षत्रिय युवक संघ जब स्थापित हुआ उस समय राष्ट्र की क्या अवस्था थी और हमारी समाज की क्या स्थिति थी, उसमें किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जूझता हुआ जो बालक था वो किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ है, वह क्षत्रिय युवक संघ। एक व्यक्ति का जीवन और एक समाज का जीवन, एक राष्ट्र का जीवन, इनमें भेद करना हमको आना चाहिए। व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा होता है, ये जन्मा, ये कुछ किया और मर गया। लेकिन राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, धर्म का, इनका जीवन बहुत लंबा होता है। तो जिन 72 साल की हम बात कर रहे हैं और उस 72 साल का एक व्यक्ति आज वृद्ध कहलाता है, लेकिन मैं कहता हूं किशोर हुआ है। क्षत्रिय युवक संघ अभी जवान भी नहीं हुआ है। कुमारावस्था में तो व्यक्ति जिन्होंने स्थापना की, व्यक्ति जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, वो इस संसार में अब दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन संघ जिनकी आंखें खुली हैं वो दिखाई पड़ता है, सबको नहीं दिखाई पड़ता। जो जागता है तब उसको महसूस होता है कि मैं उठ सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। छंदोग्य उपनिषद का एक सूत्र है, यदा बलि भवति, जब व्यक्ति बलवान बनता है। और मैं बलवान हूं अथवा कमजोर हूं ये निद्रावस्था में पता नहीं चलता, वो सपने देख रहा होता है। जागने पर देखता है कि मेरे अंदर बल है, बल है तो वो उठ खड़ा होता है। और जो खड़ा हो सकता है वो किसी की सेवा कर सकता है। उत्तिष्ठत परिचर्या भवति, जो उठता है सेवा कर सकता है। और सेवा करने पर वो किसी के पास बैठने वाला बनता है। परिचरण उपसत्ता भवति, और जब हम पास बैठते हैं किसी के तब उनको साक्षात देखते हैं, दूर से दिखाई नहीं पड़ता। तो उठे, उठ करके कुछ कुछ क्रिया करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा तब हम कर सकते हैं जब किसी के पास जाते हैं। तो सेवा करने पर पास बैठने वाला बनता है, पास बैठने वाला को दिखाई पड़ता है। तब सामने वाला कोई चीज बोलता है
तो मैं श्रोता बनता, सुनने वाला बनता। और जब कोई व्यक्ति किसी की बात सुनता है तब मनता बनता, तब वो मनन करता है कि क्या कहा जा रहा है, उसमें से मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना है। और जब मनन करता है बुद्धा होती, तब उसको ज्ञान, और ज्ञान जब होता है वह उसके जीवन में आता है तब विज्ञाता बनती। क्षत्रिय युवक्षण की स्थापना से लेकर आज तक जो क्षत्रिय युवक्षण में आते हैं उनके लिए यही सूत्र काम करता है। कुछ लोग स्नेहवश हमारे पास आते हैं, पूछते हैं संघ क्या करता है, संघ का क्या लक्ष्य है, संघ की क्या कार्य प्रणाली है, बताने का दायित्व हमारे बनता है। लेकिन इस तरह से पूछने से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। हम महसूस करें कि हमें क्या इसकी आवश्यकता है, तब आए और जाने। आएंगे तब से क्षत्रिय युवक संघ की उपासना शुरू होगी। उपासना का अर्थ है पास में बैठना। जो पास में बैठता है उसको सुनाई पड़ता है, वो सुनाई पड़ता है तो बात समझ में आ सकती है। और जो दूर खड़े देखे वो तो दर्शक होते हैं। ये दर्शकों का मेला नहीं है। क्षत्रिय युवक संघ जिस कार्य प्रणाली से काम कर रहा है वो एक अभ्यास का मार्ग है। क्षत्रिय युवक संघ पुस्तक पढ़ करके नहीं समझी जा सकती, नहीं समझा जा सकता। और मैं तो कहता हूं शाखा में आने के बाद में भी नहीं समझ में आता, शिविर में जाने के बाद में भी समझ में नहीं आती जब तक वो अभ्यास नहीं करता। जब गीता के दूसरे अध्याय में व्यास जी ने लिखा है भगवान कृष्ण की वाणी को कि जब अर्जुन पूछता है ये कि आपने जो बात दी कही वो मेरे कुछ समझ में नहीं आती, क्यों समझ में नहीं आती, बड़ा सुंदर प्रश्न किया जो हम सब के काम का है कि मन की गति से तेज चलने वाला ये हवा की गति से तेज चलने वाला ये मन रुकता ही नहीं है। आप जब लोग प्रार्थना करते होंगे, उपासना करते होंगे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, कोई जगदम्ब की उपासना करते होंगे, कोई ध्यान करते होंगे, गंभीरता से विचार करें तो सबसे ज्यादा विघ्न उस समय आता है। हम चाहते हैं कि एक जगह दृष्टि को स्थिर रखें, एक जगह मन को बांध करके रखें, तो थोड़ी देर तक क्षण भर में वो पता नहीं कहां चला जाता, उसको बस भी कैसे किया जाए, ये हमारी सबकी समस्या है। कोई काम करना चाहते हैं थोड़ा सा किया, ये तो होता ही नहीं, ये कौन तो मर गई। जल्दबाज लोग अति उत्साह में अल्हड़पन से इस काम को नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि अर्जुन इस मन को नियंत्रण में किए बिना तुम युद्ध को जीत नहीं सकोगे, इस संसार सागर को पार नहीं कर सकोगे। और मन की जीतने का एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य का नाम लाती है हमारे गड़बड़ हो जाती है, भगवे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जिस जिस में हमारा राग है, जिस जिस में हमारी आसक्ति है, उससे विराग हो जाए।
वो छोड़े बिना मन नियंत्रण से मैं नहीं होगा किसी का भी, चाहे वो पुलिस का एक सिपाही हो, चाहे सेना का कोई अधिकारी हो अथवा सिपाही हो। जब अभ्यास कराया जाता है तो सारी चीजों को बुलाना पड़ता है और सारी चीजें एक साथ नहीं बुलाई जा सकती, उसके लिए भी अभ्यास कराया जाता है। युद्ध तो कब होता है, लेकिन युद्ध में और अभ्यास न कराया जाए तो भटका जा सकता है, हार निश्चित है, मारे भी जाए, इसलिए अभ्यास कराया जाता है। तो क्षत्रिय युवक संघ का जो मार्ग, यदि हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी लगता होगा क्या हो गया है हमको, अभी भी आप बोल रहे थे कि हम बहुत पिछड़ गए हैं, किससे पिछड़ गए, हम तुलना करते हैं दूसरों से, लोग कहां पहुंच गए, हम क्या थे, हम दूसरों से इतने पिछड़े, हम अपने आप से पिछड़ पड़ गए, अपने पूर्वजों से हम दूर हो गए, हमारे धर्म से, संस्कृति से, इनसे हम दूर हो गए, और वह हम चाहते हैं कि हम समीप रहें, तो हमको खुद को ही यह एहसास होगा कि बातों करने से तो बिछड़े ही रहेंगे, तो क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात है नियंत्रण, संयम या निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयम, ये जगत रूपी रात्रि, इसमें संयम ही लोग जागते हैं। तो ये संसार एक रात्रि के समान है, लेकिन संयम ही लोग हैं उनके लिए ये रात्रि नहीं है। जो करना शुरू कर देते हैं वो भी रात्रि नहीं रहते। तो इस कौम की रात्रि नहीं रहे, सवेरा आ जाए, तो बिना कहे और बिना केवल सपनों से नहीं आती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तीन चीजों की तंसिंग जी कहा करते थे, एक आंसू, एक पसीना, एक खून। सबसे पहले आंसू आता है, विकलता पैदा होती है कि क्या हो गया है, और जो हो गया से हो गया, मैं क्यों बैठा हूं। उस विकलता में नवनिर्माण का बीज है, वो अंकुरित होता है। तो सबसे पहले आंसू बहता है, और उस जो जिस बात के लिए निकलता है, देश की आजादी से पूर्व ये आभास कर लेना कि बुरे दिन आने वाले हैं, उन बुरे दिनों से इस देश को, इस राष्ट्र को, इस मानवता को कौन बचा सकता है, ये टी शक्ति, ये आंसू आते हैं। और जब ये टी शक्ति है तब उसको वेदना में करुण क्रंदन कर रहे, ये क्रंदन सुनाई पड़ता है। श्रद्धे आईवान सिंह जी की पुस्तक मेरी साधना, और उसमें लिखा है कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, क्या क्या कि मुझे सुनाई पड़ रहा है तू इस जगत का क्रंदन, मुझे सुनाई पड़ रहा है अपने पूर्वजों का अट्टहास, और देख रहा हूं दुनिया की बुरी हालत। ऐसी हालत में जो बीज डाला जाता है, जो बीज गिरा है वह अंकुरित होता है, तब वाली बात ही है पसीने की, तब वो पड़ा नहीं रहता, उठ खड़ा होता है, चल पड़ता है और कुछ करने लगता है। और करने पर आप सब जानते हैं, हम गुलाब का फूल तोड़ना चाहते हैं तो कांटे लगने की
संभावना पूरी है, और कांटा लगते ही हम उसको छोड़ दें, इसमें तो फूल नहीं है, जो कांटे हैं, कांटे नहीं है, फूल है, साथ में कांटे भी हैं। तो जो इस कौम को इस स्थिति तक आते हैं, तीस भी उठती है, ये कांटे लग रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, कष्ट होता है तो नहीं करेंगे, हमारे घर का थोड़ा घर वालों से दूर रहना पड़ेगा तो हम नहीं करेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा तो हम नहीं कर सकेंगे। उन्हीं की पुस्तक क्या 111वां अवतरण में स्पष्ट लिखा है कि जब तक इस प्रकार का संकल्प नहीं लगता है कि शास्त्र धर्म का पालन करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ना मुझे कोई ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ना मुझे कोई पद चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, तब अंदर से आवाज निकलती है कि जीवन का एक भी दिन, शक्ति का एक भी अणु, हृदय का एक भी पवित्र भाव मैं मेरे लक्ष्य से छिपा कर नहीं रखूंगा, सब कुछ इसी में हम कर दूंगा। ऐसा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। और तीसरा है खून, पहले आंसू बहाना पड़ता है, रोना नहीं, ऐसी टीस चाहिए, तब फिर खून बहाना पड़ता है, और यदि आवश्यकता पड़े ने पसीना बहाना पड़ता है, और ये आवश्यकता पड़े तो खून भी बहाना पड़ता है। ये तीन चीज बहाने के लिए जो तैयार है वो इस कार्य को कर सकेगा, और जो कुछ भी छिपा कर नहीं रखूंगा, साथ में मेरा जीवन समाज के लिए या इस लक्ष्य के लिए है, तो जीवन के समस्त व्यापार इसी में निहित है। यह जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम चोरी करते हैं, तब हम करना नहीं चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और यहां आके के कोई पाना चाहता है तो वो तो दुखी पाएगा। और जो त्याग करने के लिए तैयार है, उत्सर्ग होने के लिए तैयार है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट हो सकता है। तो क्षत्रिय युवक संघ के बाद में बड़े कठिनाइयां हैं, उन कष्टों को झेलते झेलते जब वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वह कष्ट भी कष्ट नहीं लगते, ऐसे इतने सारे 72 साल से जो काम कर रहे हैं, तो लोग ये भी उम्मीद करने लग जाते हैं कि 30 सालों से जो लोग चल रहे हैं क्षत्रिय संघ के सामने, क्षत्रिय संघ के साथ, वो तो फिर देव स्वरूप होंगे। ये भूल मत कर लेना कोई भी कि क्षत्रिय युवक संघ वाले लोग तो ईमानदार होने ही चाहिए। क्षत्रिय युवक संघ वाले तो जिनको पैसे की कोई, धन की कोई लिप्सा ही नहीं है, ये संस्कार कुछ हम पूर्वजों से लेकर के आते हैं, कुछ हमारे परिवार से लेते हैं, कुछ इस संसार का वातावरण उनको देता है, और इस संसार में माया इतना चक्कर काटती है कि रात को पड़े पड़े भी हम सपने देखने लग जाते हैं, त्यागी हैं हम, वैराग्य को प्राप्त हैं, आसक्ति रहित हैं, इसके उपरांत भी ये माया कहां पकड़ लेती है ये कोई पता नहीं। जब कोई पर्वतारोही लोग जाते हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, और अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने से पहले भी गिरने का संभावना बनी रहती है, और व्यक्ति गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। ऐसे क्षत्रिय युवक संघ के बहुत सारे लोग चकनाचूर हो गए, तो रास्ता अच्छा पकड़ा था लेकिन माया चक्र देती देती हमको बरमा देती है, और मन पता नहीं कहां अटक जाता है। तो क्षत्रिय युवक संघ में साधना तो ऐसी कराई जाती है, बड़ी कड़ी साधना है, कड़ा अनुशासन है, कष्ट है, तपना पड़ता है, लेकिन हम यदि सोचें कि क्षत्रिय युवक संघ लोग तो कोई देव पुरुष होंगे, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा
हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति मेरी बात को सुनता है, और सुनने वाले हजारों में से कोई एक व्यक्ति मार्ग पर चलता है, तो हजारे चलने वालों में से कोई व्यक्ति पहुंचता है। तो क्षत्रिय वक्षणी एक ऐसा टोला है, बिछड़ते जाते हैं, नए मिलते जाते हैं, कारवां चल रहा है, कोई बहुत अधिक भीड़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो कर्मठ लोग हैं वो कोई सैकड़ों ही है, हजारों में नहीं क्षत्रिय के पास में, क्योंकि माया का चक्कर तो रहता ही है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्षत्रिय वक्षणी अभी किशोरावस्था को प्राप्त हुआ है, अभी को और अधिक मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और तनसिंह जी का यह पूर्ण विश्वास था कि वह दिन अवश्य आएगा, ये अंधकार जो आया है, ये जो रात्रि आई है, तो रात्रि हर रात्रि बीतती है, ये कौन जगेगी, उषा काल आएगा, आहट सुनाई दे रही है, समय बहुत लगेगा, अनेकों विकल्प हैं, संकल्प हैं, प्रकल्प हैं, ये सब चल रहे हैं। युवक संघ नाम है, और आप देख रहे हैं कि कितने इस साइड में बैठे हैं, इस साइड में बैठे हैं, अधिकांश चेहरों को मैं जानता हूं, जो कभी न कभी शाखा में आए हैं, कभी न कभी किसी साहब शिविर में आए हों, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो सतत अभ्यास करता रहता है वो पा जाता है। अभ्यास किसी भी कारण से जहां टूटा वो आसक्ति में आदमी फंस जाता है। जो जो आदमी बुढ़ा होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि आसक्ति उसको पकड़ती है, पत्नी उनको पकड़ती है, पुत्र उनको पकड़ते हैं, पौत्र उनको पकड़ते हैं, बंगले की आकृति सदैव याद रहती है, इसका क्या होगा, ये बुढ़ापे में और ज्यादा दुख देती है, और वहां गिरने के अवसर आ जाए। बहुत सावधानी के साथ फूल यदि चुनना है तो कांटे लगेंगे, इस सत्य को स्वीकार करें, आलोचना विरोध संघर्ष ये सब सहना पड़ेगा। क्षत्रिय वक्षण छोटे से जीवन में मैंने भी और मेरे साथियों ने भी इस प्रकार के बहुत सारे संकट देखे हैं। पंत सिंह जी का कहा हुआ था कि जब अपने युगों लोगों का विरोध हो रहा हो, बाहर वाले विरोध का विरोध किया जा सकता है, अपनों का विरोध कभी मत करो, उनका यदि विरोध है वो वाजिब है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं तो उनका विरोध मत करो, तुम तुम्हारे कार्य जो कुछ कर रहे हो उसमें व्यवधान मत पाने दो, तुम तुम्हारा कार्य करो। विरोध को करने से विरोध बढ़ता है, अपने लोगों की बात बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे व्यवधान आए हैं, और जब शांत हो जाते हैं तो विरोध भी अपने आप शांत हो जाता है, वो भी मर जाता है। इस सत्य को हमने हमारी आंखों से देखा है क्षत्रिय उसंग के छोटे से काल में। तो जो इन सब बातों के लिए तैयार है वही बालिका, वही बहू, वही सासुएं, ये सब मेरे शिविरों में आए हुए, और मैं कह सकता हूं शीशे की तरह से मुझे दिखाई पड़ते हैं, वो बताने के लिए नहीं, हम बुढ़े हो जाते हैं लेकिन मुझे उनका बचकानी हरकतें याद आती हैं। वृद्धावस्था अभी आगे हैं, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, सब, लेकिन जो ऊपर उठता है उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है। साथ साथ चलना है तो ये सब सहन करना पड़ेगा, जो सहन करना सीख जाता है वह क्षत्रिय उपसिंह का कार्य कर सकता है, वह मंजिल की ओर बढ़ सकता है। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक क्यों है,
आपने संदेश की पहली पंक्ति पढ़ी होगी, सुनी होगी। एक ऐसा वर्षों बाद, शताब्दियों बाद एक बहती हुई नाली को रोकने का प्रयत्न किया गया है, या बहता हुआ कुचक्र चल रहा है उसको रोकने का प्रयत्न किया गया है, और ये किया गया, ये उठाया गया कदम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, मोड़ देंगे नदियां, खुद खुद नहीं मोड़ेंगे। इस प्रकार के संकल्प के साथ चाहे सैकड़ों लोग ही है, लेकिन तीन प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं। यहां क्षत्रिय योग संघ में सबसे पहला काम है लोक शिक्षण। लोक शिक्षण का अर्थ है, तो लोक शिक्षण कौन दे सकता है? यहां जो अध्यापक है, वो जो जिन्होंने अध्ययन किया है, जो पढ़े हुए हैं, वो पढ़ा सकते हैं। दान देने वाला ही, जिसके पास पैसा है वो दान दे सकता है। तो जिसके पास शिक्षण है, जिसके पास संस्कार है, वही संस्कार दे सकते हैं। संस्कार नाम की स्कूल खोलने से कोई संस्कार नहीं मिलता है। मैं इसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। तो पहले शिक्षित होना पड़ता है, और शिक्षित होने के साथ साथ जागना पड़ता है। जो जागता है वो औरों को जगा सकता है, सोए सोए किसी को जगाया नहीं जा सकता। कर्मठ हुए बिना दूसरों को प्रेरणा नहीं दी जा सकती कर्म करने की। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, कोई बहुत बड़े सूत्र नहीं। उन्हीं सूत्रों के साथ क्षत्रिय संघ काम कर रहा है। आप सब लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, चाहे एक दिन ही हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो भी उत्साह बढ़ता है, और लंबे समय तक साथ चलते हैं फिर नहीं चल पाते हैं उसकी भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति था, रुक गया है, आत्महीन हो गया है, चरित्रहीन हो गया है, उसकी भी हम परवाह नहीं करते। लोग जरूर करेंगे, क्योंकि हम मुड़ करके नहीं देखते हैं कितने साथ हैं और कितने नहीं हैं। जो चल रहे हैं वो हमारे साथी, तो कारवां चलता जा रहा है। तो पहला काम है लोक शिक्षण का, और लोक शिक्षण जिनको देना है तब लोक संग्रह करना पड़ता है। ये आप सबका आना, पूरा सहयोग न मिले लेकिन आपका आना भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी का आना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और लोक संग्रह कब होता है? जब लोक प्रचार होता है, संपर्क होता है, और इसीलिए ये यात्राएं की जाती है लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है, जो समझा हुआ है वही समझा सकता है, नहीं अधूरा ज्ञान तो और किसी को बैठा दे। आप सब लोग क्षत्रिय योग संघ की बड़ी प्रकार परीक्षा करो, और आपको ठीक लगे तो कार्य करो, आप बैठ सकते हैं, भटक सकते हैं। यदि कोई किसी भी प्रकार की कामना रख लें कि क्षत्रिय युवक संघ से हमको कोई भी भौतिक चीज मिलने वाली नहीं है, इस बात को हम समझ लें कि हम मिलेगी सब वो चीजें, तो मैं हमेशा अपनी बैठक में आप लोगों के सामने यही बातें करता हूं, नई कोई बात जानता नहीं। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम संग्रह कर रहे हैं, इस बात को जानते हुए भी ये सब रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला नहीं है मेरे साथ, न पुत्र, न पत्नी, न पति, न पिता, न घर, न बार। फिर भी जीवन भर में कुछ करते हैं तो यही करते हैं, और कोई सब जीवन अशांत रहते हैं। और ये शांत रहना है, जो खुद शांत नहीं है, खुद सुखी नहीं है, दूसरों को कैसे सुखी बना सकता है? इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए सुखी रहने की, समृद्ध होने की कामना करता हूं। और भगवान से यदि कभी कुछ मांगनी हो तो वस्तु मत मांगना, वस्तु आएगी और चली जाएगी। ऐसी चीज वालों, वो जो कभी आए तो जरूर लेकिन जाए नहीं, वो परम शांति मांगो, वो और कहीं है नहीं, वो भगवान के सिवा कहीं नहीं है। और भगवान को याद रखे बिना कभी कोई कल्याण का मार्ग मिलेगा नहीं। अपनी कर्मठता पर भरोसा करके भी अंत में दुखी मिलेगा, अपने पद का इनकार करके भी अंत में दुखी मिलेगा। पैसे का संग्रह करने जीएसटी लगते ही लोग कितने चिंतित हो गए। हमारी शिविर चल रहा था, उसमें कई पोले खुल गई,
पत्नियों के टेलीफोन आने लग गए, नोट बंद हो गए, मेरे पास तो 1 लाख पड़ा है। तुम्हारे पास 1 लाख कब आया? ये तुम्हारी जेब से आया और कहां से? पैसा ले लिया आगे मुसीबत में। इसी तरह से पैसा ले ले, पैसा खूब कमाते हैं, चिंता रहती है इसको रखें कहां। इस खेल को समझने में बहुत भूल हो जाती है और इसी की जुटाने में हम पूरा जीवन बर्बाद करता है। आज करने आए कर्ण सके तो जीवन तरुण व्यर्थ भला है। ये भगवान की दी हुई कारा काया श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, और क्षत्रिय को संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। सूत्रों में कहा है, भूता नाम प्राणी ने श्रेष्ठा प्राणी नाम बुद्धि जीव ने बुद्धि मत्सु नरा श्रेष्ठा नरेश क्षत्रिया समता। जो कुछ भी संसार में जड़ अथवा चेतन है उसमें जो प्राणी वो श्रेष्ठ है, और प्राणियों में जो मनुष्य वो श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है जो अपने इस शरीर की, इस काया की कोई परवाह नहीं करता, स्थूल चीज की कोई परवाह नहीं करता। ऐसा श्रेष्ठ जीवन भगवान ने दिया, और क्या कर रहे हैं हम, क्या उपार्जन में लग रहे हैं। भगवान राम ने पंचवटी में लक्ष्मण से कहा, समस्त संग्रहों का अंत विनाश, कितना ही संग्रह कर लो ये जाएगा। वो तो राम थे और वो लक्ष्मण थे, हम न तो राम हैं न लक्ष्मण हैं। सारे दुख पाने के उपाय हम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहना किसी को उलाहना देता हूं, जहां कहीं भी हैं वहीं से समझ दो और वहीं से करना प्रारंभ कर दें। ये बनने का मार्ग छोड़ें, करने का मार्ग पकड़ लें, तो फिर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही संसार में सब कुछ किया जा सकता है। ज्ञान की जहां तक बात है, हम सुनते आए हैं, संदा वहां लगते ज्ञानम संतेन्द्रिय, ज्ञान कब मिलता है? जिसकी श्रद्धा है, ज्ञान जो दिया जा रहा है उसमें हमारी श्रद्धा है और तत्पर है, उसके ऊपर हम तत्पर करें मतलब कर्मशील हैं और संयम से रहें, तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान भी मिलेगा और जो चाहे सो मिलेगा। ये गीता का ज्ञान ही क्षत्रिय रक्षण का मार्ग है। आप लोग पता रहे हैं, मैं आपका बहुत ऋणी हूं कि हर बुलावे पर आप लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके साथ ही जीना है और आपके साथ ही मरना है। जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा विद्याधन, मेरा विवाह, नौकरी, कुटुंब पालन और जीवन की समस्त व्यापार अपने उद्देश्य के लिए ही है, वो इसको पा सकता है, वरना ये भी कर लो वो भी कर लो। ये बहुमुखी रास्ते हमको बहुत बहकाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो इतना संयमित है कि भगवान राम ने तुलसीदास जी ने जो रामायण कही लिखी है, रामचरित मानस में लिखी है कि समस्त डोरियों को मैं भगवान के चरणों में बांध दूं, तो एक ही लक्ष्य कि भगवान को प्राप्त करने के अतिरिक्त मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। और भगवान को प्राप्त करने, क्योंकि वही शांति है, वही सुख और कहीं नहीं है, तो उस शांति और सुख को पाने के लिए भगवान का स्मरण और संघर्ष करते जाएं, यही गीता कहती है। युद्ध कर और मेरा स्मरण कर, युद्ध हम सब कर रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, ये उसको भूल जाते हैं और फिर विपरीत परिस्थितियां आती है, हे राम ओ कंकर, यदि यार राम ने याद करते हो तो मुझे, लेकिन हम तब करते हैं जब कुछ बुरा हो जाता, नहीं तो हमने किया और ये उसने किया। ये कैसे लोग हैं हम, अपने जीवन की सार्थकता को ही हम नहीं जानते हैं। तो क्षत्रिय विवक्षण ये सारी बातें हमारे जीवन में उतारने के लिए अभ्यास कराता है। अनेक प्रकार की शिविर करते करते करते, लेकिन सब वहां पहुंच रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चीजें जब तक नहीं है कि अपनी डोर को जब तक उद्देश्य से बांधेंगे नहीं, तब तक ये संभावना नहीं है। भगवान आप सबका कल्याण करें।
आपके जीवन में सुख और समृद्धि इस प्रकार की आए जो आए लेकिन जाए कभी नहीं, इसी कामना के साथ आप सबको जय शंकर जी।